देखिए भाई ने फरमाया कि हम दुबई में होते हैं और जुमा पढ़ने के लिए दोस्त वगैरह गाड़ी में फिर वो मस्जिद तक पहुंचते हैं, तो जैसे ही जुमा खत्म होता है हमारे सारे दोस्त बाहर निकल आते हैं, मैं सुन्नत वगैरह पढ़ता हूँ तो वो मुझे फोर्स करते हैं कि तुम सुन्नत छोड़ दिया करो, क्या हुक्म शरा है। देखिए मसला ये होता है कि हम बाद औकात एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं कि जहाँ की तालीमात को बगैर दलील के हम कबूल कर लेते हैं, और जो तालीमात दलाइल के साथ पहले से साबित शुदा थी और हमारे अकाबरीन और हमारे मुसलमानों की मेजोरिटी उस पर अमल पैरा है उसे छोड़ देते हैं। इससे बड़ी मतलब नादानी और क्या होगी। जो जुमे की तमाम सुन्नतें हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये होता है, पहले इसकी तारीख समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल लगातार किया हो, कभी तर्क ना किया, कभी कभार जवाज़े उम्मत के लिए आसानी के लिए उसको छोड़ा हो, या किसी अमल की बहुत सख्त सरकार ने वईद बयान फरमाई उसको छोड़ने पर सख्ती फरमाई हो कि ये करो, लेकिन कभी कभार खुद भी छोड़ दिया हो, तो ये फिर वो अमल वाजिब नहीं बनता बल्कि सुन्नत मुअक्कदा के हुक्म में आता है, जिसका हुक्म ये होता है कि सुन्नत मुअक्कदा का एक दो बार तर्क करना बुरा और उसके छोड़ने की आदत बना लेने की बिना पर इंसान गुनाहगार होगा। तो लिहाजा वो आपके तमाम दोस्त जो हैं वो गुनाहगार होते हैं, क्योंकि उसी रंग में रंग गए हैं कि भाई फर्ज पढ़ो और भाग लो घर पर। हालांकि मैंने अगर आपने अगर हमारा दरस बुखारी सुना हो, किताबो सलात में खुद बुखारी की हदीसें इस बात पर दाल हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अदा फरमाई हैं। आप अगर वो किताबो सलात का आखिरी जो हिस्सा चल रहा था किताबो तहज्जुद के करीब, अगर यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाए तो उसको सुनिए आप। तो उसमें मैंने ये बल्कि अर्ज भी किया था कि जो हदीस पर अमल का दावा करते हैं उनकी नजर से ये हदीसें क्यों नहीं, क्यों मख्फी हो जाती हैं। एक हदीस हम ले लेते हैं कि जी सरकार ने फरमाया सिर्फ तुम पे ये नमाजें फर्ज हैं, ना कम ना ज्यादा, तो चलो जी फिर हम पे कोई कम ज्यादा नहीं है, सिर्फ फर्ज पढ़ो और खत्म। ये हदीसें क्यों फरामोश कर देते हैं? इसलिए कि इसमें मशक्कत है, इसलिए कि इसमें ज्यादा इबादत करनी पड़ेगी। वो हदीसें ले ली जिसमें अमल कम से कम करना पड़े, वो हदीसें छोड़ दी जो तवातुर से साबित हैं, और खुद सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हमेशगी के अल्फाज उसमें बयान फरमाए हैं, उनको तर्क कर दिया जाता है। तो ये सही रविश नहीं है। आप अपने दोस्तों को प्यार मोहब्बत से समझाएं कि वो ठहरें बल्कि वो भी पढ़ें। ये जो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे ही जुमे की नमाज खत्म होती है तौबा, जूतियों के मकाम पे इतना रश पड़ जाता है जैसे फ्री में कोई न्याज तकसीम हो रही है या पैसे तकसीम हो रहे हैं। मस्जिद में कम हो जाते हैं, बाहर ज्यादा, और बाहर निकल के करना क्या है? 10-15 मिनट जूतियों तलाश करते रहेंगे, दूसरे कंधे पे चढ़ेंगे, बाहर निकल के क्या करना है, एक लंबा सा सांस भरेंगे, चल यार फुटपाथ पे बैठते हैं, चलो यार फुटबॉल का मैच देखते हैं। यानी आप भागने के चक्कर में थे, बस भागे, बाहर निकल के कुछ नहीं करना है। इससे बेहतर था कि सुन्नतें पढ़ लेते। तो खुलासे कलाम ये बहरहाल की ये सुन्नतें मौकदा हैं, आपको आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, दोस्तों को भी प्यार मोहब्बत से समझाएं, उनको पढ़वाएं, वैसे निकलेंगे तो आप सब गुनाहगार होंगे। नाज़रीन अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।